सो हेलो स्टूडेंट्स, अज आपां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने ने जी तुहाडे कोल। देखो जी, सो जिन्हें आपां ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज स्टार्ट कीती सीगी तुहाडे कोल, उहदा पार्ट 2 हैगा जी इह। सो एक मिनट, कलर सिलेक्ट कर लैण दो। सो हाँ जी, चल पिया जी। चलो हुण देखो, कहिंदा ए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ने जी। विधानसभा इज सिचुएटेड न्यू दिल्ली अलोंग द कर्व आ वाली, ठीक है जी। तुसी केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन देखना है, तुसी सिर्फ अपना मैथ देखना, उस होर कुछ नहीं। सो अलोंग द कर्व है, तो जे तुसी कर्व देखो, वाई माइनस सैवन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला होंगे अबाउट वाई। तो अगर x 0 है तो y 7 है, तो ये पैराबोला इस तरह का होएगा, ठीक है जी। x 0 ते y 7 व्हाट x, सो पैराबोला हो गया। कहिंदा विधानसभा ही सिचुएटेड, वैसे उन्हें बना के दिखाया हुआ पर इतों बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। ए सिक्योरिटी गार्ड इज स्टैंडिंग एट 1 ते 8। हुण 1 8 देखो जी, x दी वैल्यू 1 ते y दी वैल्यू 8 सैटिस्फाई करदे आ, तां इत्थे 1 8 लै लो। चलो 1 कॉमा 8। सो सिक्योरिटी गार्ड इज स्टैंडिंग एट पॉइंट 1,8 ऑन द कर्व, कीप हिज आईज हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ठीक है, ऑन द पीपल फॉर सिक्योरिटी पर्पस। द सिक्योरिटी गार्ड डाउट ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट 3,7। अगर 3,7 इतने फिल करके देखो तो सैटिस्फाई नहीं करता, एक्स की वैल्यू 3, 3, 3, 9, 7-7, 0 नहीं। सो यह मतलब 3, सो विधानसभा की बिल्डिंग के नेड़े हो सकता है बंदा, पर जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते नहीं हैगा बिल्डिंग ते। सिक्योरिटी गार्ड बिल्डिंग दे उपर हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, कर्व दे उत्ते हैगा, क्योंकि आ चीज़ सैटिस्फाई करती है। हुण उस तों बाद हैगा, ही कैचिज द परसन आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद उहने परसन फड़ लिया, ठीक है। बेस्ड, उरे बेस्ड आना जी, BASED, बेस्ड ऑन अबाउट सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग, ठीक है जी। सो ए सिचुएशन ते आपां आंसर देणे ने, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, और इन्हें बस पॉइंट का चक्कर पै जाता है तुहाडे को, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सौखा है। पॉइंट का चक्कर की पैंदा है भाई, बच्चा कन्फ्यूज हो जाता भी पॉइंट आ वाला लेना है कि आ वाला लेना। देखो टेंजेंटली पॉइंट हमेशा कर्व के उत्ते चाहिए, सो आ वाला पॉइंट होना चाहिए। तो यह मतलब है तुम जो है dy/dx निकालोगे डेरीवेटिव, सो आ गया 2x, ठीक है जी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। उस तो बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व, टेंजेंट उल्टा दो, साइन माइनस तक कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, सो y माइनस y1, इसे पॉइंट का रूल है जी 8, m 2, x माइनस x1, सो 2x माइनस 2, ठीक है जी। सो सिचुएशन किदा दी बन जाएगी, तो आ 2x है, माइनस 2 उधर जाके, तो ये आ जाएगी सिचुएशन। सो तीसरे दी डी आ जाएगी जी तुहाडे कोल। मेरा ख्याल है कोई रोले वाली गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल, ठीक है। चौथे का तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा वह कहिंदा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कढ़नी है तो वाई माइनस y1 एम, तो स्लोप ही बदलनी है सिर्फ, वाई माइनस y1, y1 तो एटे रहना, स्लोप 1/2 आ जाऊगी, x माइनस x1 हो जाएगा। x1 की है तो 1, तो अब आ गया थोड़े को इतने 2y आ जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 2y माइनस 16 बराबर है माइनस x प्लस 1, तो ये 2y इस तरफ ले आने प्लस x हो जाएगा, 16 उधर जाके ऐड हो जाएगा। सो 2y प्लस x इक्वल टू 17 जी थोड़े को, ठीक है ना। सो ए वाली ऑप्शन केड़ी हो जाएगी, आ इस तरफ ले आओ, ठीक है, 2y प्लस x, 2y प्लस x, 16 ते 17, 16 ते 17, सो आ वाली ऑप्शन जी हैगी है तुहाडी ट्रू हो जाएगी। सो मेरा ख्याल है जी 4 क्वेश्चन थोड़े बड़े ठीक ठाक ढंग ना ट्रू हो गए थोड़े को। सो पंजवा क्वेश्चन सोच के देखो जी, एक मिनट रीड करके थोड़े को जोड़ा हैगा है भाई की हैगा। सो कहना डिस्टेंस कवर्ड सिक्योरिटी गार्ड टू कैच ए परसन, ठीक है। सो अगर आप देखिए आ वाली कर्व, तो इन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने इनू फड़ना है ना आ वाले परसन। सो सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा लो तो देखो, तो 3 - 1 10 स्क्वायर आ जाऊगा, 8 - 7 10 स्क्वायर आ जाऊगा, विद इन रूट आ जाऊगा।
सो 3 माइनस 1 2 10 4 सो 5 आ गया जी अंडर रूट। ठीक है जी, सो ए वाली चीज ऑप्शन ट्रू होगी सॉरी को। ठीक है जी, सो मेरा ख्याल है इदां दा केस स्टडी बेस्ड आजकल क्वेश्चन जेडे हैगे ए आंदे हैगे। ठीक है, खैर इस बार पेपर नहीं होया हैगा तुहाडे को, तो अगे देखिए। ठीक है, कहंदा सो इहदी शक्ल देखो इंप्लिसिट फंक्शन है, इहदा मतलब y स्क्वायर इक्वल टू sin x, स्केयरिंग कर दो। ठीक है, फार्मूला आ गया 2y dy by dx sin द डेरिवेटिव cos x, इहदा आ गया dy by dx। सो 2y माइनस 1 dy by dx इज इक्वल टू cos x, तो cos x नू डिवाइड कर दोगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी जी। सो इजी क्वेश्चन है जी थोड़े को। सो ये क्वेश्चन थोड़ा जहा ध्यान ना करने वाला है, कलर चेंज करता मैं। चलो जी, अगर आप इस क्वेश्चन की गल करिए, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान नाल देखना क्योंकि कई आंसर नहीं मैच करता हूँ। सो 2 की पावर x आ जाएगा जी, नाल लॉग 2 आ जाएगा, नाल x का डेरिवेटिव आ जाएगा। 2 की पावर y आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। 2 की पावर x + y आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, x + y का डेरिवेटिव 1 + dy/dx। सो लॉग 2 तो कैंसल ही हो गया, सो ये वाली चीज। ठीक है, सो इतने आ गया 2x + y, अगे मल्टीप्लाई लॉग 2 सारा कैंसल हो चुका है जी, ए वाला ये ना। सो इतने आ गया 1, इतने आ गया 2 की पावर x + y dy/dx। तो ए वाली चीज इधर ले जो 2x - 2 की पावर x + y, ए वाली चीज 2 की पावर x + y -2 की पावर y dy/dx, ए इस तरफ ले लो। तो dy/dx निकालना है अपने, तो ए बन गया तो 2 की पावर x - 2 की पावर x + y डिवाइडेड बाय 2 की पावर x + y -2 की पावर y। ऑप्शन इतना दी कोई है नहीं, सो क्या करिए, नन ऑफ दीज भी नहीं हैगा, तो 2 की पावर x कॉमन काट लेने, उरे 1 आ जाएगा, 2 की पावर y, 2 की पावर y हेठों कॉमन काट लो, 2 की पावर x - 1 आ जाएगा, ये ऊपरों जाके घट जाएगी, 2 की पावर x - y, 1 - 2y, 2 की x। आ वाली देखो, ये माइनस ऊपर एडजस्ट कर दो, सो आ ऑप्शन ट्रू आ जाएगी जी। सो थोड़ी जी डेरिवेटिव तो बाद वाली मॉडिफिकेशन भी चाहिए है। ठीक है जी, सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 की गल करिए, फिर अगेन इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि इनू आप इनफिनिटी तक रिपीट हो रहा है, इनू सारे नू वाई ले लें, जो तो वाई ले लें तो प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया, दोनों पास स्केयरिंग कर दोगे। सो x + y, सो 2y dy/dx इज इक्वल टू एक्स का डेरीवेटिव 1 dy/dx, ये उधर जाके घट जाएगा, सो एक घट जाएगा तो 1/2y - 1, सो डी ऑप्शन जी हैगी थोड़ी ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, सो आगे देखो जी, आ वाला क्वेश्चन, लॉग का डेरीवेटिव होंगे 1/x dx ऑफ अंदर ले, डेरीवेटिव करा 2 अगे आ जाएगा पावर नाल 1 है ना, अगले यदा डेरीवेटिव करा, सो ये आ जाएगा डेरीवेटिव 1। ठीक हो गया जी, सो जो तुम देखो एलसीएम लीए, 1/2 आप बाहर निकाल लीए, 1/2 आप बाहर निकाल लीए, तो आ वाली चीज x - a, तो एलसीएम जो तुम लिया तो x + a उत्ते चला गया, x उपर चला गया, डिवाइडेड बाय x - x - a, आ टर्म कैंसल आउट होगी, सो 1/2 x - x - a, सो ऑप्शन नंबर बी ट्रू होएगी। सो क्वेश्चन नंबर 9 दी ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, सो अगर इस क्वेश्चन की गल करिए, थोड़े को x/π/2 है ना, ये मतलब जो x/2 लोंगे तो π/4, तो π/2 चलाई करेगा। ख्याल रखियो जो π/4 तो π/2 होंगे तो साइन वड्डा होंगे, 0 to π/4 विच जिहड़ा होंगे वो कॉस वड्डा होंगे। सो मतलब इस क्वेश्चन नूं आपां करिए, 1 + जिहड़ा साइन एक्स होंगे है उन्हों तुसीं की करना है, उन्हों तुसीं लिख लेना है cos²x/2 + sin²x/2 + 2 sin²x/2 cos²x/2, तो यह मतलब जो 1 + sin x है तुम उसनों cos x by 2 + sin x by 2 का स्केयर लिख सकते।
ठीक है जी। तो इधर ख्याल रखना, जो डिफरेंस लिखना है ना अपन ने, तो डिफरेंस से बहुत ख्याल रखना पैंता हुंदा, इत्थे गलती हुंदी हुंदी है। जे डिफरेंस लिखना है, हुण इत्थे डिफरेंस है, तुसी चाहे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू लिख दो, ठीक है, कॉस आगे लिख लो, चाहे साइन, फार्मूला तो सेम खुल जाना है माइनस विच। पर दिक्कत की है, दिक्कत यदी है, अगर तुसी पाई बाई फोर पहला लिखे है, तो तुसी ख्याल रखना भी जिमें जिहड़ा साइन है वह 90 तक चढ़ता हुंदा, कॉस 90 ते आके गिरता हुंदा। सो 45 तो अगे जाऊंगे तो हमेशा साइन वड्डा रहेगा, तो यदा मतलब जो डिफरेंस लिखना है ना क्वेश्चन, 1 माइनस साइन x/y, तो अगर 45 तो अगे जा रहे हैं तो साइन बड़ा, तो इनू आपां ऐदां लिखना है। अगर आही चीज, अगर एक्स बाई टू लाइज बिटवीन, हालांकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, 0 to π/4 हुंदा, तां श्योरली कॉस अगे आता क्योंकि कॉस वड्डा हुंदा। ये चीज़ का ख्याल रखना, पेपर दे विच इस चीज़ ने तुहानू तंग कर देना, तुहाडा आंसर बदल जाना, ठीक है जी। सो अगर आप देखिए तुहाडे पास इस क्वेश्चन की गल करिए, तुहाडे कोल ठीक है, सो इत्थे वाई आ जाएगा, सो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। तो अगर तुसी देखोगे 1 + sin x, 1 आप इहदा स्केयर है, स्केयर ने कैंसल हो जाना स्केयर रूट ना, तो अल्टीमेटली थोड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक हो गया, फिर प्लस आ गया, ठीक है, यदा पता लग गया। हूँ 1 माइनस है, यदा आंसर आऊगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, सिंपल। इस तरह हेठा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, तो माइनस आप की लिखना, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। सो ए वाली चीज़ तो ए वाली चीज़ कैंसल आउट होगी, तो टू भी कैंसल आउट हो जाना है। सो अल्टीमेटली ए बनूंगा वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई टू, अल्टीमेटली एक्स बाई टू वाई बन जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव जोड़ा है वो 1/2 बन जाएगा। सो कोई ऑप्शन नहीं है कि, ठीक हो गया जी। सो इसका ख्याल रखना, ये 1/2 या -1/2 इस थीटे की वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर तुसी वैल्यू सही नहीं पिक की तुसी क्वेश्चन खराब करोगे, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन तो देखे तो ही पता लग जाता, क्योंकि तुसी इसका डेरीवेटिव करोगे, डेरीवेटिव आएगा 8 × 32 x7। हूँ सीधी जी गल है, इतने ऑड पावर है, ठीक है। हूँ यह कहता एफ ऑफ डैश 1/2 तो -1/2 सेम हो गए, हो ही नहीं सकते, माइनस अगे आ जाना, सो आ ऑप्शन तो वैसे ही कट जानी है। तो एफ ऑफ 1/2 तो डैश का माइनस, ए ईवन है ऑड है, ये भी ऑप्शन कट जानी है, ये तो वैसे ही कट जानी, सो आई ठीक हो कि वैसे भी चेक कर लो, बिना डेरीवेटिव के पता लग जाना कि ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी, वाई का जोड़ा है तुहाडे कोल, सो 1 + x² है, तो यह डी वाई जो तुसी करोगे यह आ जाएगा 1/2 1 + x², सो इतने 2x, सो जोड़ा है 1 + x² dy/dx, ठीक है। तो ये उधर चला गया है ना, तो माइनस एक्स आ गया थोड़े को, आ एक्स उधर माइनस चला, इन असं वाई बोलते हैं, तो अल्टीमेटली तो आंसर 0 आ गया, क्योंकि आ वाली चीज़ जी तुम इधर भेजी है ये वाई, तुसी आंसर किदा करना सी वाई इंटू dy/dx माइनस एक्स, सो आंसर तुहाडा 0 आ गया, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन देखिए जी, एक्स नीचे x² a² सो पहला आपां इहदी पावर देखिए, डेरीवेटिव करिए, डेरीवेटिव कीता, पावर अगे आई, पावर अगे आई तो एक घटना, सो जे एक घटना है तो इत्थे आ जाऊगा, ठीक है। डी डी ओ अंदर ले दा हुंदा, एक्स का डेरीवेटिव 1, यदा 1/2 x² + a² इंटू 2x, सो ए वाली चीज़ आप इन्ना कैंसल करती, सो अल्टीमेटली एन आ गया x + a² x² इतने n-1, ठीक है, ए चला गया x + x² a² + x, नीचे x² + a² सो ये एन हैगा, पावर ऐड होगी तो एन आ गया, तो एन इन वाई बोल दें, तो एन वाई नीचे गिनना है, नीचे की रह गया, नीचे x² a², सो बी ऑप्शन आ जाएगी जी थोड़ी। सो क्वेश्चन हो गया जी, बस एक क्वेश्चन होर करना जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो करांगे, थोड़े को 23 क्वेश्चन से मैं लिखे।
ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ 14th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 plus x ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ tan theta ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 1 plus tan secant square theta ਰੂਟ ਕਰਕੇ secant theta ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਟੈਂਜੈਂਟ theta ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਨਵਰਸ 1 ओवर cos थीटा माइनस 1 नीचे sin थीटा ओवर cos थीटा तो अल्टीमेटली टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos थीटा हेडला cos कटिया जाना नीचे sin थीटा ऊपर लिख दा जी थोड़े को सो टेंजेंट इनवर्स इधर बन जूगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इथे बनूगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसल 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 सो टेंजेंट इनवर्स टेन थीटा बन गया तो अल्टीमेटली जेड़ा है गया आंसर आ गया थोड़ा टेन ना टेन कैंसल हो जू सो आंसर आ गया तो डिकोल थीटा बाय टू सो थीटा बाय टू आ गया तो थीटा बाय टू थीटे की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय टू ए वाई आया डेरिवेटिव करोगे ना सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया ठीक है जी सो ए वाली ऑप्शन कितनी मिली ठीक है जी सो इन्ना ही कर लो जी इस वीडियो दे विच 14 क्वेश्चन मैं डिस्कस करते ने तुहाडे कोल विद रीजंस ठीक है जी बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो च करूंगा ठीक हो गया जी सो जे हाले तक सब्सक्राइब नहीं कीता तां कर लियो ठीक है जी थैंक यू